चारधाम की पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी है। इस बार यात्रा 45 दिनों तक चलेगी। कोरोना संकट के कारण 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए भोले भंडारी के श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ के 8 मई को कपाट खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए आज गौरीकुंड और कल केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 6 मई को सुबह भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक रोजाना 15,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे, वहीं रोजाना 7,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे ही गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 की संख्या में श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर सकेंगे। तो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। 6 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और आज भगवान के दर्शन के लिए काफी लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। तो आज भगवान की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 6 मई को आपको बता दें कि केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी को लेकर भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्तजन पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का जो पट है वो 8 मई को खुलेगा। आज भगवान की डोली गौरीकुंड पहुंचने वाली है। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो 6 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी को लेकर भारी संख्या में जो भक्तजन है वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आज भगवान की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। तो इसी को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम की यात्रा का आज से आगाज हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अर्शद खान फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अर्शद, देखिए चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लगातार भक्तजन पहुंच रहे हैं वहां पर दर्शन करने के लिए। श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी अभी? बिल्कुल, देखिए विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। कल की बात कर ली जाए तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। वहीं बात की जाए 6 तारीख की तो कहीं ना कहीं बाबा केदार के कपाट भी खुलेंगे और तमाम श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम के दर्शन करने को मिलेंगे। उसी के बाद यदि बात की जाए बद्रीनाथ मंदिर की तो यहाँ भी 8 मई तक कपाट खुल जाएंगे। और कहीं ना कहीं डोली की बात की जाए तो चल विग्रह उत्सव डोली जो है 2 मई को बाबा केदार के लिए रवाना हो चुकी है, केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। तमाम श्रद्धालु देश भर के और कहीं ना कहीं देश से बाहरी देशों से भी लोग इस चारधाम यात्रा में शिरकत करने पहुंचते हैं और एक बड़ा ही उत्साह जो है तमाम श्रद्धालुओं के अंदर देखा जाता है। जैसा कि कल की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं का जो तांता था वो लगातार लगा रहा और कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए हैं। वहीं बात कर ली जाए इस वक्त जिस प्रकार से राज्य सरकार ने दिशा निर्देश इस चारधाम यात्रा को लेकर के दिए हैं, किस प्रकार से तैयारियां कर रखी हैं, उन पर भी एक नजर यहाँ पर डाल लेते हैं कि आपको बताना चाहूंगा सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या सीमित अभी फिलहाल रखी गई है 45 दिनों के लिए। सबसे पहले बात यदि की जाए तो बद्रीनाथ में 15,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे, केदारनाथ में 12,000
गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों की जो संख्या है उसको धाम परिसर में सीमित किया गया है ताकि किसी प्रकार की भीड़ वहां पर ज्यादा ना जुट पाए, ताकि कोविड का खतरा जो है ज्यादा ना हो पाए। इसी सिलसिले में यदि बात कर ली जाए आगामी 6 और 8 मई की, तो कहीं ना कहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ के धाम के कबाट खुलेंगे और कहीं ना कहीं इन दोनों ही धामों की अपनी अलग ही मान्यताएं हैं। यहाँ पर काफी रुझान जो है श्रद्धालुओं का देखने को मिलता है, काफी दूर दूर से श्रद्धालु इस धाम परिसर में पहुंचते हैं। वहीं इस मार्ग की बात की जाए तो केदारनाथ धाम पर काफी किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ राज्य सरकार इस बार इस चारधाम यात्रा को सुचारू कर रही है। दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। उत्तराखंड भर की यदि बात की जाए तो 3 तारीख से पहले ही जो है श्रद्धालुओं का तांता प्रदेश उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था। कहीं ना कहीं जो चारों धाम है उसके आसपास के क्षेत्रों में तमाम तीर्थयात्री बाहरी राज्यों से जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे थे और अभी भी लगातार इसी प्रकार से सिलसिला जारी है। बॉर्डर की यदि बात की जाए तो ऐसी तस्वीरें जो है सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लगातार जो टूरिस्ट गाड़ियां हैं वो जरूर चारधाम यात्रा के लिए निकल रही हैं। राज्य सरकार भी कई बार कह चुकी है कि इस बार यात्रा जो है अपने चरम पर रहने वाली है और कहीं ना कहीं हेली सेवाओं की बात की जाए तो उनके जो टिकट हैं वो तमाम जो है बुक हो चुके हैं। होटलों की यदि बात की जाए तो उनकी बुकिंग फुल हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से ही इस यात्रा को लेकर के काफी उत्साह श्रद्धालुओं के भीतर देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है क्योंकि विगत 2 सालों से जो है चारधाम यात्रा नहीं चल पाई है। कोविड महामारी के बीच जो है चारधाम यात्रा को रोक दिया गया था, उसके 2 साल बाद इस बार जो है चारधाम यात्रा चल रही है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का जो रुख है वो काफी ज्यादा उत्तराखंड की ओर मिल रहा है। आयुष जी, शुक्रिया अर्षद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।